नमस्कार दोस्तों, रिव्यू स्कैनर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास डीप फ्रीजर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है वोल्टास की 400 लीटर डीप फ्रीजर, जिसकी मॉडल है CVF405DD। DD मीन्स ये डबल डोर डीप फ्रीजर है, हार्ड टॉप है, ग्लास टॉप नहीं है। और CVF जो मॉडल में आपको दिखे तो समझ जाइए कन्वर्टेबल डीप फ्रीजर है। कन्वर्टेबल मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा। ये आपको इस ईयर की जो है डीप फ्रीजर जो भी वोल्टास का आपको देखने को मिलेंगे वो स्टार रेटिंग के साथ है, 3 स्टार रेटिंग के साथ है। तो ये बहुत ही अच्छा है, एनर्जी आपका जो पावर कंजम्पशन है वो कम करेगी, आपको 40% पावर सेविंग के साथ आपको मिलती है और 100% आपको कॉपर कूलिंग आपको इसमें मिलती है। ये कन्वर्टेबल मतलब होता है एक कूलर सेक्शन और एक फ्रीजर सेक्शन। अगर आप आइसक्रीम रखते हैं तो आपको हाई टेम्परेचर में रखना पड़ेगा ताकि बर्फ़ अंदर बर्फ़ का लेयर जमे और आपका बर्फ़ पिघले नहीं, आइसक्रीम पिघले नहीं। और कूलर मतलब आपका हो गया कि आप इसमें ऑल सीजन चला सकते हैं डीप फ्रीजर को। जैसे कि ठंड में आप इसमें आइसक्रीम तो नहीं रखेंगे, आइसक्रीम उस टाइम में कम चलते हैं, और उसकी जगह आप आइसक्रीम की जगह मटर, फ्रॉस्ट मटर जो होता है, और पनीर, दही, वो सब, दूध, ये सब रख सकते हैं। ये सब आपको कूलर टेम्परेचर करके रखना पड़ेगा ताकि आपके जो वो मटर, दही, वो सब है अंदर बर्फ़ ना जम जाए और उससे आपको सिर्फ कूलिंग रहेगा, उसके अंदर आइस नहीं जमेगा। तो वो कूलर टेम्परेचर में आपको रखना पड़ेगा। तो कन्वर्टेबल मॉडल लेने से आपका यही फ़ायदा है, गर्मी में आप इसमें आइसक्रीम रख सकते हैं और ठंड में आप इसको यूज़ करके दही, दूध, ये सब रख सकते हैं। तो ये होगी कन्वर्टेबल। इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो ये डीप फ्रीजर मॉडल है 405DD, लेकिन इसका मतलब 400 लीटर नहीं है। ये इसका ग्रॉस कैपेसिटी देखेंगे तो आपको 388 लीटर की ग्रॉस कैपेसिटी मिलेगी और अंदर जो स्टोरेज है, स्पेस जो है, वो 354 लीटर की आपको स्पेस आपको मिलती है। तो इसमें आपको 2 बास्केट मिल जाते हैं विथ कंप्लीट 1 कंपार्टमेंट। एक रैक आपको दिया गया है जो कि सामान सब आपको गिरे नहीं, तो वो एक कंपार्टमेंट आपको पूरा मिल जाता है। और डीप फ्रीजर आपको 2 बास्केट के साथ मिल जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए या फिर आपको इसमें डीप फ्रीजर में लाइन ना आए तो डीप फ्रीजर कम खोलने से आपका 10 से 12 घंटा इसमें कूलिंग प्रिटेंशन आपको मिलती है, जो कि आपका आइसक्रीम ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा देर तक इसमें कूलिंग रहेगी, जिससे फूड आइटम फ्रेश रहेंगे आपको। और इस डीप फ्रीजर की साइज़ की बात करूँ तो इसकी चौड़ाई है 152 सेंटीमीटर और हाइट है 88 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट, और डेप्थ गहराई जो है वो आपको 74 सेंटीमीटर की है। और वेट की बात करूँ तो ये 71 kg का है, तो इसे मूव करना ऐसे उठा के ईजिली नहीं होगा। इसमें आपको नीचे व्हील मिल जाते हैं, चक्के हैं, जिससे आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो वारंटी की बात करो तो 1 साल की फुल वारंटी है और 3 साल की कंप्रेसिव वारंटी है। इसमें इस साल वोल्टास ने आपको डीप फ्रीजर में फुल वारंटी दिए गए हैं 4 ईयर्स की, लेकिन आफ्टर 1 ईयर आपको सिर्फ विजिट चार्ज पे करने पड़ेंगे। कोई पार्ट्स अगर टूट जाए तो उसके चार्ज पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज कंप्लीट ब्रांड की तरफ से वारंटी आपको देखने को मिलेंगे। ऑन साइट वारंटी है, आपके प्लेस पर विजिट होगा। और डीप फ्रीजर की प्राइस की बात करूँ तो ये डीप फ्रीजर आपको 27,000 to 28,000 में आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। बहुत सारे साइट्स में आपको ये 31,000 तक प्राइस दिखाया जा रहा है, साइट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप कृपया इसको वेरीफाई करके प्राइस आपको सही से लगे तो उस प्राइस में आप इसको बाई करें। आपको 26,000 to 27,000 के आसपास ये देखने को मिलेंगे ये डीप फ्रीजर अभी का रेट है। तो ऑफलाइन ज़रूर एक बार आप चेक कर लें, और ऑनलाइन में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जब आपको प्राइस उसमें कम अफोर्डेबल हो तो आप उसको ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा डीप फ्रीजर है, वोल्टास की तरफ से टाटा ब्रांड है आपको पता है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके भी अदर्स डीप फ्रीजर भी देख सकते हैं, 200 लीटर 300 लीटर। तो ये वीडियो अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दे, और डीप फ्रीजर जो लेने वाले हैं उनको जरूर शेयर करें ताकि इनका स्पेसिफिकेशन पता चले, उनको जितना स्टोरेज चाहिए वो पता चले। और ये वीडियो को शेयर कर दे, और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसे वीडियो मैं लाते रहता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।